नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमएस एसएससी नोट्स में। तो दोस्तों, आपका इंतज़ार खत्म हो गया और हम आपके सामने लेकर हाजिर हैं बाल विकास की संजीवनी बूटी का छठवां भाग। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले हमने 5 भाग अपलोड कर दिए हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी ने वो वीडियो देखा होगा और आप सभी के ढेर सारे प्यार और लाइक्स करने के लिए मैं आप सभी को दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, इसी के आधार पर आज हमने इस वीडियो को तैयार किया है, सभी महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक कथन। जी हाँ दोस्तों, यदि आप यूपीटेट सीटेट या जिस भी एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं उसमें आपका महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक कथन पूछा ही जाता है। तो आज हमने इस वीडियो के माध्यम से लगभग सारे सेक्शन से जो महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक हैं उनको कवर करने का प्रयास किया है। बस आपको क्या करना है, इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना है और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। तो और दोस्तों, अब आप हमें अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी आपको यूपीटेट सीटेट से रिलेटेड सारे वीडियोस हमने पब्लिश कर दिए हैं। वहाँ हमारे पूरे 4 कोर्सेज हैं, आप उसे भी देख लीजिएगा, ठीक है। और बाकी हमें फॉलो कैसे करना है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है तो वहाँ पे आप जाइएगा, फॉलो ज़रूर कर लीजिए, ठीक है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हम टॉपिक को। और दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करके ही जाइएगा, क्योंकि हम जो आपके लिए वीडियो तैयार करते हैं बड़ी मेहनत से तैयार की जाती है और आपके सभी का ध्यान रखा जाता है कि जो भी टॉपिक हम सिलेक्ट करें वो आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो, रामबाण साबित हो, इसी का ध्यान रखकर हम आपके लिए वीडियो तैयार करते हैं। और आप सभी का बहुत ढेर सारा प्यार मिलता है जिसके लिए हम आपको दिल से शुक्रिया करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। दोस्तों, इसमें जो है सारा कथन से संबंधित प्रश्न रहेगा आपका। पहला प्रश्न आपका ये बनता है, जैसे शिक्षा की बात करें तो मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है, किसने कहा था? तो ये कहा था स्वामी विवेकानंद ने, ठीक है। अगला जो प्रश्न हमारा है कि प्रमुख यूनानी दार्शनिक सुकरात के अनुसार शिक्षा मतलब क्या है, मतलब इन्होंने क्या कहा था कि शिक्षा का अर्थ उन सर्वमान्य विचारों को विकसित करना है जो प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में विलुप्त हैं। ये किसने कहा था? सुकरात ने, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, जो हमारा और अगला है इससे संबंधित। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है, यह किसने कहा था? ये भी अरस्तु ने कहा था, ठीक है। तो और जो है जॉन डीवी ने क्या कहा था, शिक्षा व्यक्ति के उन समस्त क्षमताओं का विकास करना है जो उसे अपने वातावरण को नियंत्रित करने तथा अपनी संभावनाओं को पूरा करने योग्य बनाएगी। ये किसने कहा था? जॉन डीवी ने। अगला है महात्मा गांधी जी। देखिए, महात्मा गांधी ने क्या कहा था, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा मनुष्य के शरीर मस्तिष्क तथा आत्मा के सर्वांगीण विकास सर्वोत्तम विकास से है। किसने कहा था? ये महात्मा गांधी ने, ठीक है। तो ये हमारा जो है शिक्षा से संबंधित जो महत्वपूर्ण कथन था जो पूछा जाता है उससे लिए थे। अब बात करते हैं अवस्थाओं से, यानी कि जो मनोविज्ञान है जो पूछा जाता है। मनोविज्ञान का विषय चेतना का विज्ञान है, या चेतना का विज्ञान किसने कहा था मनोविज्ञान को? तो वो थे विलियम जेम्स। मनोविज्ञान का विषय आत्मा है, किसने कहा था? प्लेटो ने। साइकी और लोगस किस शब्द से बना है? यूनानी भाषा से। मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, यह किसका मत है? मैकडूगल का, ठीक है। तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक है जो इससे पूछा जाता है। और रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करते रहिएगा, जो सभी लोग अभी भी जुड़ेंगे जो अभी देखते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। अभी हमारा आता है बालक की अवस्थाओं से। देखिए, इनसे जो कथन बनते हैं आपके, सहसा अवस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है, ये कथन किसका है? एडलर का। अगला जो प्रश्न आता है, मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वो प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है, यह कथन किसका है? सिगमंड फ्रायड का। अगला है, 3 से 6 वर्ष के बालक में प्रायः अर्ध स्वप्न की हालत में रहता है, किसने कहा था? थार्नडाइक ने कहा था। सहसावस्था सीखने का अनोखा काल है, किसने कहा था? वैलेंटाइन ने कहा था। बालक के हाथ पैर और नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक होते हैं, यह कथन किसका है? तो यह कथन है रूसो का। अब मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, बालक के मस्तिष्क को, ठीक है, बालक जो होता है, बालक के मस्तिष्क को कोरिसलेट किसने कहा था? बालक के मस्तिष्क को कोरिसलेट या कोरा कागज किसने कहा था? इसका आंसर आप हमें क्या करेंगे, आपको हमें कमेंट करना है इसका आंसर, ठीक है। आप हमें कमेंट में बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा, कि बालक के मस्तिष्क को किसने कोरा कागज़ या कोरा स्लेट कहा था, क्योंकि ये अगला जो हमारा टॉपिक है इन्हीं से संबंधित है, ठीक है। चलिए अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। देखिए, बाल्यावस्था से आपके किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, जैसे कि बाल्यावस्था
संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है किसने कहा था? कोल एवं ब्रूस ने। स्टेनले हॉल ने क्या कहा था कि बालकों के खेल एवं उनके कार्य की पुनरावृत्ति जो सृष्टि के प्रारंभ से उनके पूर्वज करते आ रहे हैं, ठीक है, ये किसने कहा था? स्टेनले हॉल ने। बालकों के खेल उन कार्यों की पुनरावृत्ति हैं जो सृष्टि के प्रारंभ से उनके पूर्वज करते आ रहे हैं। चलते हैं अगला, जो कार्ल एवं ब्रूस ने क्या कहा था। कार्ल ब्रूस का कहना है खेलों के द्वारा बालक अपने भावी जीवन की तैयारी करता है, ठीक है। अगला जो है स्ट्रैंग ने क्या कहा था, शायद ही कोई ऐसा खेल होगा जिसे 10 वर्ष के बालक नहीं खेल न खेलते हों, ठीक है, शायद ही ऐसा कोई खेल होगा जिसे 10 वर्ष के बालक खेलते न हो, किसने कहा है? स्ट्रैग ने, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। हमारा जो है इन्हीं से अब किशोरावस्था से किस प्रकार के कथन बनते हैं। घनिष्ठ और व्यक्तिगत मित्रता उत्तर किशोरावस्था की विशेषता होती है, वैलेंटाइन ने कहा था। क्रो एंड क्रो ने क्या कहा कि किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है, यह कथन है क्रो एंड क्रो का। अगला है ब्लेयर जॉन्स एम सिम्पसन, इन्होंने क्या कहा था, किशोरावस्था प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का वह काल है जो बाल्यावस्था के अंत में प्रारंभ होता है और प्रौढ़ावस्था के अंत में समाप्त होता है। फिर स्टेनले हॉल ने क्या कहा था, किशोरावस्था एक नया जन्म है क्योंकि इसी में उच्चतम और श्रेष्ठतम मानव विशेषताओं के दर्शन होते हैं, यानी बालक का एक उच्च और श्रेष्ठ जो गुण होते हैं इसी अवस्था में उसका दर्शन हो जाता है, ये कथन किसका है? स्टेनले हॉल ने। और इन्हीं का एक कथन जो है किशोरावस्था को संघर्ष तूफान तनाव की अवस्था भी स्टेनले हॉल ने कहा था, ये भी आता है ना। स्किनर ने क्या कहा था कि किशोर का निर्णय करने का कोई अनुभव नहीं होता है, और वैलेंटाइन ने कहा था किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय होता है। कॉलसेनिक ने क्या कहा था, प्रौढ़ावस्था प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझता है और जो उसे अपनी स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से रोकती है, किस तरह कथन है ये? कॉलसेनिक का, ठीक है। तो ये हो गया आपका इससे संबंधित। अब और भी इम्पॉर्टेंट कथन जो आपके बनते हैं, देखिए अरस्तु ने क्या कहा था कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। वुडवर्थ ने कहा था कि मानसिक विकास 15 से 20 वर्ष की आयु में अपनी उच्चतम सीमा पर हो जाता है। अरस्तु ने कहा था शिक्षा मनुष्य की शक्ति का विशेष रूप से उसकी मानसिक शक्ति का विकास करती है। स्ट्रैग ने कहा था माता पिता की शिक्षा बच्चों की मानसिक योग्यता से निश्चित रूप से संबंधित होती है। और डी मेकार्थी ने क्या कहा था, छठी श्रेणी के छात्र का शब्द भंडार लगभग 50,000 शब्दों का होता है, यानी छठवीं श्रेणी का मतलब होता है 6 साल, ठीक है। क्रो एंड क्रो का क्या कहना था कि जब बालक 6 वर्ष का हो जाता है तब उसकी मानसिक योग्यताओं का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है, किसने कहा था? क्रो एंड क्रो ने, ठीक है। अब आती है आपकी संवेग से। देखिए संवेग से कौन कौन से मनोवैज्ञानिक किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, किसने कहा था? वुडवर्थ ने। स्किनर ने क्या कहा था कि शिशु का संवेगात्मक व्यवहार धीरे धीरे निश्चित और स्पष्ट हो जाता है, उसके व्यवहार के विकास की सामान्य दिशा अनिश्चित और अस्पष्ट से विशिष्ट की ओर होती है, किसने कहा था? स्किनर ने, ठीक है। रॉस ने क्या कहा था, संवेग चेतन की वह अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता रहती है। गेल्डॉर्ड ने क्या कहा था, संवेग क्रियाओं का उत्तेजक है। वैलेंटाइन ने कहा था जब रागात्मक प्रकृति का वेग बढ़ जाता है तभी संवेग की उत्पत्ति होती है। फिर जर्सेड ने क्या कहा था, किसी प्रकार के आवेश आने पर भड़क उठने तथा उत्तेजित हो जाने की अवस्था जो होती है संवेग कहलाती है, किसने कहा था? जर्सेड ने, ठीक है। चलिए अब चलते हैं थोड़ा सा बुद्धि की ओर। बुद्धि से आपके कौन कौन से मनोवैज्ञानिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए वुडवर्थ ने क्या कहा था, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। बर्किंगहम ने कहा था बुद्धि सीखने की योग्यता है। टर्मन ने कहा था बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। प्रिंटर ने क्या कहा था, बुद्धि का विकास जन्म से लेकर किशोरावस्था के मध्यकाल तक होता है। थांडाइक ने कहा था सत्य तथा तथ्यों के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रियाओं का शक्ति ही बुद्धि होता है। मैकडूगल का कहना है कि बुद्धि अतीत अनुभव के आधार पर जन्मजात प्रवृत्तियों को सुधारने की योग्यता होती है, ठीक है। तो ये आपका हो गया बुद्धि संबंधित। अब थोड़ा सा हम व्यक्तित्व गुण के बारे में बात करें तो व्यक्तित्व में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है गिलफोर्ड से। देखिए गिलफोर्ड ने क्या कहा था, व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है, किसने कहा? गिलफोर्ड ने। और वुडवर्थ ने क्या कहा था कि व्यक्ति के व्यवहार की एक समग्र विशेषता ही व्यक्तित्व है, ठीक है। व्यक्ति के व्यवहार की एक समग्र विशेषता ही व्यक्तित्व है, किसने कहा था? वुडवर्थ ने। अब जो आती है बात सृजनात्मकता की, सृजनात्मकता से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं।
सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन रचना या उत्पादन में होती है, किसका मत है? जेम्स ड्रेवर का। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, किसने कहा था? क्रो एंड क्रो ने। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अभिप्रेरणा से आपके किस प्रकार के कथन पूछे जाते हैं ये भी आपको बता देते हैं। देखिए, ड्रेवर ने क्या कहा था कि अभिप्रेरणा एक भावात्मक क्रियात्मक कारक है जो चेतन तथा अचेतन ढंग से निर्धारित परिणाम अथवा लक्ष्य की ओर व्यक्ति के व्यवहार की दिशा को निर्धारित करने के लिए क्रियाशील होता है। गुड ने कहा था प्रेरणा कार्य को प्रारंभ करने तथा जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। और मैकडूगल ने कहा था अभिप्रेरणा व्यक्ति के अंदर ऊर्जा परिवर्तन है जो भावात्मक जागृति पूर्व अपेक्षित उद्देश्य अनुक्रियाओं से निर्धारित होती है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। उम्मीद करते हैं आप सभी को ये पसंद आया होगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग जितना अधिक से अधिक लाइक करेंगे हम आपके लिए अगला वीडियो बहुत ही जल्द लेके आने वाले हैं। तो प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, सब्सक्राइब करे रहेंगे तो क्या होगा, जिससे कि हम अपना जो भी नेक्स्ट वीडियो डालते हैं वो आपको अपडेट रहेंगे। बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, और सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट ये है कि आप सभी इसको जो है शेयर भी कर दीजिएगा। बाकी आपकी स्क्रीन पर ये चार पार्ट भी दिख रहे होंगे, अभी जैसे ही आपकी स्क्रीन पर ये चार पार्ट इसके पिछले जो वीडियो हैं सारे स्क्रीन पर आ जाएंगे, आप उसे क्लिक करके हमारे पुराने वीडियोस को भी देख सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे एक और अच्छे टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।